नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त टेक्निकल फूडी से। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम देखेंगे कि हम एक्सेल को, वर्ड को या पावर पॉइंट की फाइल को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बिना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए। उसके लिए पहले तो मैंने एक्सेल खोल रखी है, मेरे पास एक्सेल 2016 है। आप देख लीजिए आपके पास कौन सा वर्ज़न है। अगर आपके पास 2016, 13 और 10 है तो ये आपके लिए एप्लीकेबल हो सकता है। ये फीचर अगर उससे पुराना है तो आपके लिए दूसरे प्रोसेस है। सबसे पहले मैं इसको सेव एज पर जाऊंगा, वहाँ पर उसको नीचे एक ऑप्शन आ रही है सेव टाइप, उसमें हम पीडीएफ सेलेक्ट कर लेंगे। पीडीएफ सेलेक्ट करने के बाद उसको सेव कर लेंगे और वो फाइल पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं इसको खोल कर देख लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये फाइल पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुकी है। इसी तरह आपको दूसरी ऑप्शन है कि अगर आपका ऑप्शन ऑफिस पुराना है, 2010 से पुराना है, तो आपको इसमें दूसरी ऑप्शन पर आप इसको कन्वर्ट कर सकता है। उसके लिए आपको फाइल में ही प्रिंट पर जाना पड़ेगा। प्रिंट पर जाने के बाद वहाँ पर एक प्रिंटर में आप माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ प्रिंटर उसको सेलेक्ट करेंगे और उसमें प्रिंट दे देंगे। तो उससे वह आपको फाइल लोकेशन पूछेगा कहाँ पर सेव करनी है, वहाँ पर आप लोकेशन पर सेव कर दोगे नाम देकर, तो वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको खोल कर चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, ये अगर ऐसे ही आप वर्ड की फाइल तो कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम सिंपल अपनी वर्ड की फाइल ओपन कर लेंगे, उसको भी अगर सेव एज पीडीएफ करेंगे, सेव एज पर जाकर वहाँ पर पीडीएफ की ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और उसको पीडीएफ में सेव कर लेंगे। अगर पुराना ऑफिस है तो सेम प्रिंट करके उसको पीडीएफ में, प्रिंट माइक्रोसॉफ्ट प्रिंटर में प्रिंट करके पीडीएफ में सेव कर लेंगे। ऐसे ही पावर पॉइंट में होगा। दोस्तों देखा, ये सिंपल स्टेप थे कि हम अपनी एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट की फाइल को बिना कि कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए आसानी से पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।